हाथरस जिले की सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के आरती गांव में जमीन की पैमाइश करने गई पुलिस प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों ने बोल दिया हमला। टीम आई वापस, ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दरअसल मामला है सादाबाद थाना क्षेत्र के गांव आरती का, जहां इस जमीन की पैमाइश करने के लिए तहसील प्रशासन की टीम व पुलिस की टीम गई हुई थी। जमीन की पैमाइश का मामला निर्मल पुत्र राजेंद्र मोहन लाल बनाम पप्पू के बीच जमीन का काफी पुराना मामला कोर्ट में चला आ रहा था, जिसकी नाप कराने के लिए कानून को देवचंद पौरुष के अलावा लेखपालों की टीम के साथ साथ पुलिस की टीम भी गई हुई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि दूसरे पक्ष द्वारा गलत नापतौल की जा रही थी, जिसको लेकर आपस में विवाद बढ़ गया। वहीं पुलिस प्रशासन की टीम से अभद्रता की गई थी, जिसका मामला सादाबाद कोतवाली में दर्ज करा दिया गया है। रंजीत कुमार की रिपोर्ट। इसका मतलब ये है कि हमारी कोई सुनेगा नहीं, हमारी कोई प्रशासन भी नहीं सुनना, हम कमी से बात करें, दूसरा पक्ष यहाँ है नहीं है और नापतौल किए जा रहे हैं। वो मैटर क्या था? मैटर जमीन का है। अच्छा, एससी का व्यक्ति है जो उसकी बाप दादा की जमीन है और जाट है वो अपनी नेतागिरी से और उस पर कब्जा कर रहा है। आप लोग कौन है? हमारे यहाँ कोई जेल से है नहीं है, महिला महिला है। हमने ये कहा हमारा दूसरा पक्ष आया, जब आप ना फोन कीजिएगा। ये कहाँ का नियम है? दूसरा पक्ष नहीं है, ऐसे नापतौल कौन कर सकता है? 20 गाड़ी आई थी बदमाशों की और फायरिंग की है, और देखो यहाँ लाइन लगी थी, लाठी डंडे लेके आए थे, जबकि विपक्ष का कोई व्यक्ति है नहीं है, महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रही है। मेरा आदमी है ना, मेरा पड़ोसी है, ये कहा था अब एक घंटे रुक जाइए, जब मुखिया आ जाएगा जब आप नापतौल कीजिएगा। लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी जबरदस्ती नापतौल की, हमने नापतौल नहीं करने दी तो उसने 20 गाड़ी गुंडों की मंगाई, कुछ पर नेम प्लेट है, कुछ पर नेम प्लेट नहीं है, और खूब हमारे ऊपर फायरिंग की गई है। थाना सादाबाद के अंतर्गत आरती गांव में एक जमीन की पैमाइश के लिए पुलिस और राजस्व टीम गई थी। वहाँ पर गांव वालों ने इस टीम का विरोध किया, तो पुलिस की और राजस्व टीम वालों को जो है वापस आना पड़ा। इस संबंध में राजस्व टीम द्वारा पुलिस और उनके खिलाफ जो अभद्र व्यवहार किया गया है, उसके विरुद्ध एक मुकदमा थाना हजार पर पंजीकृत हुआ है, जिसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।